मीडिया वालों के लिए, पत्रकारों के लिए और टेलीविज़न वालों के लिए भारत तीसरा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक देश है। एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसने कहा है इंडियाज पोजिशन इज एशियाज डेडलीस्ट कंट्री फॉर मीडिया पर्सोनल अहेड ऑफ बोथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। भारत की जो स्थिति है इस वक्त वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक देश के रूप में है मीडिया वालों के लिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी आगे है। दूसरी तरफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है एक, इसकी मई 3 की रिपोर्ट है इस साल की 2017 की। इसका कहना है कि भारत का स्थान 136वां है प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में। प्रेस की आज़ादी का जो इंडेक्स है, जो सूचकांक है, उसमें भारत का स्थान 136वां है, अमेरिका का 43वां है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ट बनाया और मैंने इंडिया रैंक को ट्रैक किया ऑन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सिंस 2006 एंड हियर इज व्हाट द चार्ट लुक्स लाइक। दिस इज सो इंडिया रैंक इन 2006 वाज 105, नॉट बैड, बट यू सी व्हाट हैपेंड बाय द टाइम यूपीए कंप्लीटेड इट्स टर्म। इंडिया रैंक slipped from 105, 106 to 140. Now, how many times during that period you saw people like Ravish Kumar or Vinod Dua, you know, crying about press freedom? What has happened in last, 3 years is that the left-leaning media, which had a complete control of narrative, and only one-sided narrative was being pushed in this country, they have been etched out by the power of social media and the new government, and they are crying because they have just lost control.